अब $1.68 का हो गया है, तो इससे ये माना जा रहा है कि हमारी इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गई है और फॉरेन करेंसी वीक हो गई है। फॉरेन करेंसी वीक इसलिए हुई है क्योंकि पहले हम जितना पे करते थे अब हमें उतना पे करने की जरूरत नहीं है। तो इससे बेस्ट थिंग ये होगी कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करूंगा गुड्स एंड सर्विस का। सही बात है, मैं ऐसा करूंगा। दूसरी चीज, मैं कौन हूं, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं भारत का बंदा हूं, अपने हिसाब से सोचूंगा। यार मेरे को सामान सस्ता पड़ रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करूंगा, ये भी तो हो सकता है। ये बात समझ आएगी नहीं, फर्स्ट बता दो मेरे को। यस सर। दूसरा, अभी मौका है, दूसरे देश में घूम घूम के आ जाऊं क्या? यस सर। सस्ता पड़ेगा ना भाई, पहले जिन फैसिलिटीज का मैं ₹70 देता था अब उसका ₹68 दे रहा हूँ, तो सर 2 ही रुपए की तो बात है ना, तो अपना भी तो एग्जाम्पल ही है बस। तो मैं बोल रहा हूँ यार थोड़ा सस्ता हुआ है, चलो घूम आया जाए। घूमने जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? सर जा सकते हो। तीसरी बात, मान के चलो जैसे मेरा ब्रदर है वो पढ़ रहा है US में, अब मेरे को उसकी पे करनी है फीस, तो जब ₹70 था तब पे करना ज्यादा बेटर है कि अभी 68 हो गया तो जल्दी पे करूं? कब करूं पे, सर 68 सर, सब 68 हुआ तो कर दो पे। है ना? तो इससे मेरा क्या ₹2 की बचत होगी फीस में। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। तो मैं इसको बोलूंगा यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। फीस फीस का पैसा मैं भिजवाना चाहूंगा क्योंकि मेरे को अभी क्या है डॉलर सस्ते में मिल जा रहा है, डॉलर वीक चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे सट्टा खेल सकता हूँ क्या, स्पेकुलेशन कर सकता हूँ? अभी खुद खरीद लेता हूँ खूब सारा और जब रेट बढ़ेगा तो क्या करूंगा, भेज दो। बेच दूंगा। तो देखो क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा फॉरेन करेंसी कमजोर पड़ी, कमजोर पड़ने का मतलब क्या, हमें कम रुपए पे करके डॉलर मिल रहे थे तो हमने ज्यादा सारा गुड्स इंपोर्ट किया। हम घूमने निकल गए दूसरे देश, जल्दी से जल्दी दूसरे देश में पैसा भेजा, फीस फीस पे करे, और स्पेकुलेशन के नाम से, स्पेकुलेशन का मतलब है रेट कम हो तो खरीद लो, बढ़े तो बेच दो, स्पेकुलेशन के नाम से हमने क्या किया, फॉरेन करेंसी बहुत सारी खरीद ली, तो इसे हम कहते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इसे हम कहते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। कहने का मतलब ये होता है कि जब आपको लगता है कि फॉरेन करेंसी कमजोर हो गई है, मतलब आपको भारतीय रुपए कम खर्चा करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसीज को खरीदने की कोशिश करते हो, तो इसको माना जाता है कि आप डिमांड करते हो फॉरेन करेंसी की। आप डिमांड इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको अभी रुपए कम खर्चा करना पड़ रहा है, पहले ₹70 देके डॉलर्स खरीदते थे, अब ₹68 देकर खरीद रहे, तो आपको लग रहा है इसमें आपका फायदा है, इसीलिए आप क्या करते हो, गुड्स इंपोर्ट करते हो। जब इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी में ही तो पेमेंट करनी है ना अपने को, हम ₹68 देके डॉलर देते जाएंगे। टूरिज्म में जाओगे, घूमने जाओगे तो अपना रुपए देके डॉलर दे देना, यूनिलैटरल ट्रांसफर करोगे ये भी डॉलर में करोगे, और स्पेकुलेशन करोगे मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी खरीद खरीद के रख दो, जब वो मजबूत होगी रेट बढ़ेगा तो बेच देना। तो चारों ही सिचुएशन में आपको डॉलर से ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, जो दिखाता है कि डॉलर की डिमांड है। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आपको ये बात यस सर। समझ आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बोलो सब लोग, समझ आया कि नहीं? यस तो सर। आ गए। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स पूरा वीक, काम करना। व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स वीक इट्स डिमांड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एज वी परचेस मोर फॉरेन एक्सचेंज, मोर फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर ट्रांजेक्शन। जब डॉलर सस्ता होता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रांजेक्शन कर सके। क्या क्या ट्रांजेक्शन, तो ऊपर मैंने आपको चार बता दिए हैं। क्या क्या, आप गुड्स का इंपोर्ट करो भाई, इंपोर्ट करोगे तो आपको दूसरे देश में पैसा देना है, तो डायरेक्ट रुपी तो नहीं दोगे ना, फॉरेन एक्सचेंज खरीद के ही तो दोगे सामने वाले को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा मैंने क्या बताया, घूमने चले जाओ। टूरिज्म यूनिलैटरल तीसरा क्या बताया, यूनिलैटरल ट्रांसफर जैसे फीस या गिफ्ट विफ्ट देने का सबसे अच्छा मौका यही है,
क्योंकि फॉरेन करेंसी कमजोर है, सस्ते में सामान मिल जाएगा दूसरे देश से, गिफ्ट विफ्ट कर दो बहुत बढ़िया है। और चौथा स्पेकुलेशन करो, अभी डॉलर सस्ता पड़ रहा है आपको तो बढ़िया है, आप खरीद लो भाई डॉलर, ठीक है, महंगा हो तो बेच देना। कितना क्लियर हुआ मेरी बात अभी तक? आ गया सर। कोई डाउट? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि वाई फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, तो आप लिख पाओगे चार? यस सर। कोई डाउट सर? हाँ बेटा। इसमें फीस भी जोड़ सकते ना? क्या चीज? फीस? फीस अब डिमांड कर्व बना लेते हैं अपन, क्लास 11th इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई कर्व बनाए क्या? यस सर। तो हम यहाँ पे अपना एग्जांपल कुछ ऐसा देते हैं कि मान लो एक डॉलर का स्टैंडर्ड रेट जो था वो 70 रुपए था, ठीक। अब आज जो है एक डॉलर हो गया है मान लो 60 रुपीस का, तो ये क्या बताता है, डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इंडियन करेंसी की कि फॉरेन करेंसी की? सर फॉरेन करेंसी की। भाई आपको सस्ते में मिल जानी है ना करेंसी, पहले एक डॉलर 70 रुपए में मिलता था, अब एक डॉलर 60 रुपए मिल रहा है, तो जितना खरीदना है खरीदो, है ना। तो फॉरेन करेंसी डिमांड विल इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस, जैसे डॉलर का प्राइस गिरता है, एक डॉलर पहले 70 का आता था, अब एक डॉलर आपको 60 रुपए में मिल जा रहा है, तो डॉलर का प्राइस गिरा है, तो प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, पढ़ते आए हो कि नहीं बचपन से ये चीज? यस सर। तो इसका स्केड्यूल कैसे बनाओ, नॉर्मल जो डिमांड कर वो बनता है यार वही बनेगा। नॉर्मल हमारी पोजीशन क्या थी, नॉर्मल पोजीशन हमारी थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहाँ नीचे लिख देते हैं डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, है ना। अब मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा पी पॉइंट है, पी मतलब ये मेरा 70 रुपीस का पॉइंट है, एक डॉलर 70 रुपए का पड़ता है, तो ये मेरी क्यू, इसकी डिमांड है। अब मैं बोलता हूं यार डॉलर सस्ता हो गया, तो डॉलर सस्ता हो गया तो मैं डॉलर ज्यादा खरीदूंगा, तो ज्यादा खरीदूंगा मतलब डिमांड बढ़ेगी, Q1 P1 आप मिला दोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा ये D D। ईमानदारी से बताओ ये समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गया सर। ईमानदारी से बताओ कोई समस्या? तो अगर ग्राफ आया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? इसको भी पॉइंट दे देते, अपना ये ए पॉइंट है, अपना ये बी पॉइंट है, ठीक है। कुछ पूछना है मुझसे इसमें? नो सर। तो अगर आपको एक कर्व बनाने बोले तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? यस सर। यस सर। तो डिमांड का कर्व देख लो ऐसा है, आपको डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अच्छे से आ गया, कोई डाउट नहीं है? No, sir. अच्छा अब दूसरा पोजीशन लो यार, एक डॉलर 70 रुपए में मिलता था पहले, अब एक डॉलर 72 रुपीस का हो गया है, एक डॉलर 72 रुपीस का हो गया है, तो इसे इंडियन का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। क्या है? नुकसान है। नुकसान है। अगर मैं बोलूं कहीं ना कहीं फायदा करवा दे तो? सर फायदा भी है, एक्सपोर्ट होगा। आप पहले तो ये बताओ भैया कि जब एक डॉलर 70 रुपए था उसे 72 रुपीज हो गया है, तो इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई कि वीक हुई? वीक हुई। क्योंकि जब आप इंपोर्ट करोगे कोई चीज को, पहले 70 रुपए देते थे, अब 72 रुपीज दे रहे हो, तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, तो वीक हुई ना। फॉरेन करेंसी क्या हुई? स्ट्रॉन्ग हुई। यहां पर जब आप डिमांड पढ़ रहे थे तो आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और जब आप सप्लाई पढ़ोगे, अब भाई सीधी सी बात है फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होगी तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आपको यहां पर क्या करना है,
किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, जाओ क्यों यूएसडी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अब सोचना, दिमाग लगाना, करेंसी स्ट्रांग हो गई तो जब वीक हुई थी तो आपने खूब सारा खरीदा था स्पेकुलेशन के नाम से, अब स्ट्रांग हो गई है मतलब डॉलर का रेट बढ़ गया तो आप उठा के धड़ाधड़ उसको क्या करोगे, बेचेंगे, तो आपकी क्या होगी उससे कमाई होगी। आप जब खरीदे थे तो एक डॉलर 68 रुपीस में खरीदे थे और अब यही एक डॉलर 72 रुपीस का हो गया है, तो इससे आपकी क्या हुई, 4 रुपए के प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पहली चीज, दूसरी बात सुनना अच्छे से समझना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हो पैसे, ये बताओ? यस सर। शेयर में पैसा लगाते हैं या किसी में भी, ठीक है? तो मैं बोलता हूं कि जब एक डॉलर 70 रुपए का था, जब एक डॉलर 70 रुपए का था तो एक डॉलर खर्च करके आप 70 शेयर खरीद पाते थे। अब जब एक डॉलर 72 रुपीस का हो गया है तो आप एक डॉलर खर्च करके कितने शेयर खरीद पा रहे हो? फिर से बोलो, आप मतलब भूल जाओ आप इंडियन हो ना फॉरनर हो, मान के चलो आप चलो फॉरनर हो, ये पॉइंट को फॉरनर के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर यूएस का एक बंदा है वो भारत में शेयर खरीद रहा था तो पहले उसको एक डॉलर में 70 शेयर मिलते थे, अब उसको एक डॉलर में 72 शेयर मिलते हैं, तो ये ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? सर ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा खरीदेगा। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा कि बढ़ेगा हमारे देश में? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। आपको दो पॉइंट समझ आए कि नहीं भैया, ये बता दो पहले। यस यस सर। आ गए पक्का? तीसरा, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। यस सर, कैसे बढ़ेगा बताओ सर? सर ज्यादा पैसा मिलेगा हम लोग को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो। एग्जैक्टली, पहले एक डॉलर का 70 रुपए मिलता था, अब सामने वाला एक डॉलर का आपको 72 रुपीस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जब ये सारी सिचुएशन होती है तो हम फॉरेन करेंसी की क्या करना शुरू कर देते हैं? सप्लाई करना शुरू कर देते। अब आप बताओ, आपको सप्लाई समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आया। तो अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं ध्यान से देखो और अच्छे सुनो, वेन foreign currency becomes strong, the supply of foreign currency increases. The supply of foreign currency increases. सही बात है कि गलत बात है? समझ नहीं आया, एक बार। जब foreign currency strong होती है, मजबूत होती है, रुपए का रेट बढ़ता है, तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मैं स्पेकुलेशन या सट्टे के नाम से बहुत सारी करेंसी रखा हुआ था, तो अब अगर डॉलर ज्यादा कीमत में बिक रहा है तो मैं खरीदूंगा कि बेचूंगा? सर बेचूंगा। बेचूंगा तो सप्लाई क्या हुई? बढ़ी। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, पहले एक डॉलर में 70 शेयर मिलते थे, अब एक डॉलर में 72 शेयर मिलते हैं, तो आप एज अ फॉरनर ज्यादा खरीदना चाहोगे कि नहीं खरीदना चाहोगे? यस सर। यस सर। और सप्लाई बढ़ी कि घटी? सर बढ़ी। भाई सप्लाई बढ़ी ना, फॉरेन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे देश में, वो लोग ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले उनको 70 शेयर मिलते थे मान लो रिलायंस के, अब एक डॉलर में 72 शेयर मिल रहे तो हाथों हाथ खरीदेंगे ना, दो शेयर ज्यादा मिल रहे। दो शेयर मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। सिमिलरली भाई, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दूसरे देश से पैसा अपने देश में आएगा ना, इनफ्लो होगा, तो फॉरेन करेंसी सप्लाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर बढ़ी। अब बोलो कितना समझ आया? आ गया सर पूरा। तो अब ये बता दो भैया कि सप्लाई किस किस कारण से करते हैं, ये समझ आ गया? स्पेकुलेशन के नाम से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से, एक्सपोर्ट के नाम से, बताओ इसमें कोई डाउट? नहीं सर। डिमांड समझ आ गया था? यस
यस सर। तो इसका कर्व कैसे बनाओ बताओ। सप्लाई कर्व कैसे बनाऊंगा देख लो सीख लो यार। $1.70 का, अब $1 हो गया मान लो ₹80 का, मतलब हमारा रुपए कमजोर हुआ है डॉलर मजबूत हुआ है। ठीक है, डॉलर का रेट बढ़ गया, पहले हम ₹70 खर्चा करते थे, अब उसी चीज के लिए ₹80 खर्चा करना पड़ रहा है इंपोर्ट पे, ऐसे समझ लो। डॉलर मजबूत हो गया, तो जब मजबूत हो गया तो ये माना जाता है कि व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स स्ट्रॉन्ग, फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, देन इट्स सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं कि व्हेन वी आर गेटिंग मोर इंडियन रूपी, या ये लॉजिक को हटाओ यार, मत दिमाग लगाओ इतने को ही समझ लो बहुत है। ये समझो जब फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो सप्लाई बढ़ती है, कारण आपको मैंने बता दिया कि भैया रेट बढ़ा है तो बेचना चालू करोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा पड़ रहा है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया, ज्यादा फॉरेन करेंसी आपके देश में आएगी। तो इसका कर्व किस तरह से बनेगा, तो कर्व देखो कुछ इस तरह से बनेगा, पहले $1.70 का था तो ये प्राइस हो गया कितना, $1 = ₹70, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है, $1.80 का हो गया, ₹80 का हो गया मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो समझ आया? यस सर। ये मैंने क्या शो किया, फॉरेन एक्सचेंज रेट शो किया, यहां पर मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट शो किया कि रेट बढ़ गया है तो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई। तो इसका कर्व कैसा गया, बोलो कोई समस्या? नो सर। अब ईमानदारी से बताओ किसको अभी भी डिमांड सप्लाई एकदम ही नहीं समझ आया, जीरो आ गया सर, आ गया। बाकी लोग को आयुष, निकिता, ओम प्रकाश, प्रथम, ईमानदारी से बोल भाई, कुछ बेस से समझ आ गया सर, एग्जांपल चाहिए, और कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, डिमांड सप्लाई समझ demand. आया कि नहीं आया सर, डिमांड एक बार और समझा देना, ये समझ दे भाई तू, मुझे ये बता कौन पूछा, नाम बताओ पहले सर। आयुष, आयुष एक बात बता भाई, आयुष मैं बोलता हूं तुम्हारा एक भाई है, ठीक है, मिस्टर एक्स, ये रशिया में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, यस सर, फी पे करनी रहती है अपने को, ठीक। जब तुम फी पे करते हो तो क्या होता है, अपना रुपए देते हो भारत का, डॉलर देते हो और डॉलर रशिया में जाके पे करते हो, ठीक सर, रशिया में थोड़ी डॉलर चलता होगा, हम स्टैंडर्ड करेंसी डॉलर को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात बता, अगर $1 का रेट ₹70, मतलब तू ₹70 देता है तो तेरे को $1 मिलता है, ये एक रेट है। इस रेट पे फीस पे करना चाहेगा कि $1 जब 65 होगा तो फीस पे करना चाहेगा, कब फीस पे करेगा सर? 65 क्यों सर, कम है क्योंकि तेरा ₹5 बच जा रहा है ना हर डॉलर पे, तो डिमांड बढ़ेगी yes, कि घटेगी सर? बढ़ेगी डिमांड। अब बोल सर, आ गया। एक और एग्जांपल दे, आयुष की शादी हो गई, किससे हुई, वाय से, कैटरीना कैफ से, आयुष को जाना है हनीमून पे, कहां जाएगा आयुष? ये हनीमून पे जाएगा मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स में भैया डॉलर चलते हैं। तो अब मान लो नवंबर में शादी हुई है,
अब इस समय जो है $1 मैं बोलता हूँ ₹80 का है, जब ₹80 खर्चा करेगा तो $1 मिलेगा, और दिसंबर में $1 ₹60 का हो जा रहा है, तो कब जाएगा हनीमून पे? सर दिसंबर, दिसंबर में, दिसंबर में जाएगा ना यार, तो डिमांड बढ़ाया कि घटाया? सर बढ़ाया। कुछ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया अभी भी? सर आ गया। तो याद रखना भैया, जब क्या होता है फॉरेन करेंसी सस्ती होती है तो अपने को कम खर्चा करना पड़ता है, तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। अब यही अगर $1 जो है तेरा ₹80 से ₹90 हो जाता तो तू क्या करता? बोलता है मैं या तो पोस्टपोन कर देता हूँ, नहीं करता है ना? मेरी सी बात अभी नहीं करता। सही बात है। अब इसमें अगर तेरे को बिजनेस करना है तो तेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज बहुत अच्छी है, मान के चल। जैसे $1 जब ₹80 का है तो ये कि ₹80 खर्च करके तू $1 दे रहा है। अब ये $1 मान ले ₹60 का हो गया तो खूब सारा खरीद के रख दे, क्योंकि कल को जब ये $1 ₹100 का होगा तो तू इसको क्या करना? बेच दूंगा। तो जब सस्ता हुआ डॉलर तो तूने डिमांड करी, और डॉलर महंगा हुआ तो सप्लाई। अब बोल कितना समझ आया? सर आ गया। बाकी लोग को भी यह समझ आ गया है? यस सर। इसके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में, शांति से एक बार देख लेना, है ना? एक और बार इसको देख ही लेना क्लियरली। इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर दिया हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। इसको ना पूरा देखना लेक्चर को, और आपको बहुत डीपली एक एक चीज में इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो ना आप बहुत अच्छे से पढ़ो, रिविजन कराऊंगा ना, रटा जाएगा इकोनॉमिक्स भी, है ना? चलो ये करो, कल चैप्टर का समापन समारोह करते हैं अपन। सर भेज दो ना इसको अभी। क्या ये एक बार अब ये रिकॉर्डिंग बंद करूंगा तो रिकॉर्ड होगा, 5 मिनट बाद भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। वो टेस्ट पेपर चेक करके देता हूँ आप लोगों को। ओके सर।